हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता। थाना बदोशा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा निर्माण फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा छापेमारी में भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित तमंचे व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। शस्त्र बनाने के उपकरण, कोयला व भट्टी बरामद की गई। बांदा व चित्रकूट जनपद में करता था अवैध शस्त्रों का परिवहन व विक्री। गिरफ्तार अभियुक्त तमंचों की रिपेयरिंग का काम भी करता था। आपको बताते चलें कि थाना बदोसा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लभेटा से की गई गिरफ्तारी। पुलिस अधीक्षक बांदा के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा अवैध शस्त्रों का निर्माण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर कार्रवाई करने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र और क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्रीमती अंबुजा त्रिवेदी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 19/4/2022 को थाना बदोसा पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। ये थाना बदोसा अंतर्गत एक व्यक्ति को शस्त्र फैक्ट्री के साथ पकड़ा गया है। दो तमंचे 315 बोर, एक तमंचा 12 बोर, एक अर्धनिर्मित तमंचा और एक 315 बोर की बंदूक और फैक्ट्री के सारे सामान भट्टी आदि बरामद हुई है। सो गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कितने लोग गिरफ्तार किए गए? एक आदमी अपने घर में बनाता था। क्या इसके पहले भी इनका? नहीं, इस फैक्ट्री में नहीं, लेकिन पहले क्रिमिनल हिस्ट्री है, जेल गया है। कहाँ तक पकड़ा गया है सर? इसे घर से ही सारी बरामदगी घर से।